हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो जो के होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम देखने वाले हैं सैलरी ऑफ इंडियन पुलिस कांस्टेबल डीएसपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी रैंक होंगे उसकी बताई जाएंगी सैलरी। हाँ, तो अभी मिल के देखते हैं तो पता चलेगा कितनी सैलरी इंडियन पुलिस को मिल रही है इस टाइम पे। तो काउंट ऑन करते हैं, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सैलरी ऑफ इंडियन पुलिस बताने जा रहा हूँ, कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक। अच्छा। और फ्रेंड, इस वाले चैनल पे आपको पुलिस रैंक से और आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल की जो पहचान होती है, वर्दी की पट्टी पे कोई सिंबल नहीं रहता है, नॉर्मल पट्टी रहती है, और उसके नीचे जिस स्टेट का कांस्टेबल होता है उस स्टेट का नाम लिखा रहता है। अच्छा। बेसिक सैलरी इनके 21,700 रूपए। सही है यार, अच्छी है। 27,000 रूपए हर स्टेट में अलग अलग एच आर डीए टीए मिलता है, इसलिए मिनिमम बोला गया है। मतलब 27,000 सैलरी बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग सैलरी होती है। तो ये अप्रॉक्स सैलरी है, और इससे ऊपर जो होता है हेड कांस्टेबल होता है, उनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 3। ये इधर भी ऐसी है, होती है पट्टी लगी होती है ना उस पे। और इनकी जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी 25,500 रूपए। अच्छा, अच्छा। और मिनिमम ग्रॉस सैलरी है 32,500 रूपए। इससे ऊपर पोस्ट होती है वो होती है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 1 स्टार होता है, और छोटी सी और लाल और नीले रंग की पट्टियाँ होती हैं उसी के बगल में, और उसके नीचे जिस स्टेट का एएसआई होता है उस स्टेट का नाम लिखा होता है। बेसिक सैलरी इनकी 30,100 रूपए। अच्छा। और मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो है 37,000 रूपए। अच्छी है, बहुत अच्छी है। पोस्ट होती है वो होती है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 2 स्टार और छोटी सी लाल और नीले रंग की पट्टी होती है, और इसके नीचे जिस स्टेट का एसआई होता है उस स्टेट का नाम होता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 35,400 रूपए, और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 48,500 रूपए। सुना होगा जिसे स्टेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, वो एसआई रैंक का ही होता है, लेकिन वो एक थाने का हेड होता है, थानेदार जिसको बोलते हैं। तो उसकी जो सैलरी ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेशन ऑफिसर है यानी कि थाने का हेड है, तो जितनी इनकी सैलरी उसे 5-7,000 रूपए प्लस ही होती है एसओ की। और जो एसआई है ऐसे उसे ऊपर जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पहचान वर्दी की पट्टी पे 3 स्टार। अच्छा। 3 स्टार होते हैं। छोटी सी लाल और नीले रंग की पट्टी, और उसके नीचे जिस स्टेट का वो होता है इंस्पेक्टर, जिस स्टेट का नाम होता है। हर स्टेट की अलग-अलग होगी। सैलरी होती है 45,500 रूपए, और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी है 60,000 रूपए। 60,000 पाकिस्तानी यानी 1,20,000। एसएचओ जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, एक थाने का हेड होता है, लेकिन ये जो होता है बड़े थाने का हेड होता है, और ये इंस्पेक्टर रैंक का ही होता है, तो सीनियर इंस्पेक्टर को एसएचओ बनाते हैं, तो इसकी सैलरी जो इंस्पेक्टर से 5-7,000 रूपए ज्यादा ही होता है। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर होते हैं उनके जो स्टार होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, याद रखना हमेशा पीले रंग के स्टार मिलेंगे ने। और जो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर जो आ जाते हैं अब, वो उनके जो स्टार होते हैं वो सफेद या सिल्वर रंग। अच्छा। बैज लगे होते हैं सिल्वर रंग। इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक वो होती है डीएसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 3 स्टार होते हैं, और उसके नीचे जिस स्टेट के वो डीएसपी होते हैं उस स्टेट का नाम लिखा रहता है, कोई लाल और नीले रंग की छोटी सी पट्टी नहीं होती है। अच्छा। और जो स्टार होते हैं वो सफेद रंग के। बड़ी प्यारी लगती है। अब इनकी जो सैलरी की बात की जाए, बेसिक सैलरी 56,100 रूपए है, और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी वो है 78,000 रूपए। ऑफिसर होते हैं हमारे पास इतनी नहीं है। नहीं, हमारे पास अच्छी नहीं है, कम है हमारे बहुत कम है पहचान है, लेकिन इंडिया के हिसाब से बहुत अलग अलग एरिया के हिसाब से इन्हें किसी में सीओ बोला जाता है, किसी में डीएसपी, तो सेम रैंक के होते हैं दोनों डीएसपी और सीओ। अच्छा। इससे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है एडिशनल एसपी। अच्छा। एडिशनल एसपी। और इसकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 1 अशोक का सिंबल,
और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। आईपीएस, अच्छा। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 67,700 बेसिक है। मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो होती है वो होती है 94,000। एक लाख, यानी पाकिस्तानी 2 लाख। होती है एसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे एक स्टार और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। और ये जो होते हैं एक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके हेड होते हैं। अच्छा। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें एसपी को हेड बनाया जाता है। तो इनकी बेसिक सैलरी की बात की जाए तो 78,800 रुपए बेसिक सैलरी है और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 110,500 रुपए है। जबरदस्त। और इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है एसएसपी। अच्छा। जिसकी फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सही कहा। जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 2 स्टार, उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। और ये भी डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें एसएसपी होते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो बेसिक सैलरी जो होती है 118,500 रुपए मिनिमम ग्रॉस सैलरी। इसके मजे हैं भाई। 1.5 लाख ऊपर जो होते हैं वो पाकिस्तानी 3.5 लाख। डीआईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी की जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 3 स्टार, उसके नीचे आईपीएस लिखा रहता है। इनकी जो बेसिक सैलरी है 131,100 रुपए और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 183,000। ऊपर जो की पोस्ट होती है वो होती है आईजी। यार महीने गाड़ी ले सकती है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 1 स्टार और उसके नीचे क्रॉस सॉर्ड या तलवार सी होती है और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। जो बेसिक सैलरी इनकी जो 144,200 रुपए और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 2,000 रुपए। आईजी से ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है एडीजीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। की स्पेशल वर्क के लिए बुलाए जाते हैं। अच्छा। या इनका जो स्पेशल कार्य होता है ये एडिशनल, एक तरह से एडिशनल कार्य होता है इनका। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके अच्छा, नीचे क्रॉस तलवार सी होती है, उसके नीचे इसकी 2.5 लाख तक होनी है। बिल्कुल। मिनिमम इनकी जो बेसिक सैलरी है 2,05,400 रुपए, ग्रॉस सैलरी 2,85,000 रुपए। एडीजीपी से ऊपर की पोस्ट 3 लाख सबसे ऊपर पाकिस्तानी 6 लाख बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसकी जो पहचान सेम पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे एक क्रॉस तलवार, उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। ये पूरी स्टेट के हेड होते हैं पुलिस रैंक में। और बेसिक सैलरी होती है 2,25,000 रुपए और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 3,15,000 रुपए। फ्रेंड, डीआईजी से लेके डीजीपी तक स्पेशल कार दी जाती है, जिसकी अलग पहचान होती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या ऊपर आई बटन में से आप देख सकते हैं। अच्छा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी सैलरी ऑफ इंडियन पुलिस कांस्टेबल से डीजीपी तक। और इधर हुई ये वीडियो खत्म। अरे भाई क्या बात है यार, मैंने एक अंदाजा लगाया पाकिस्तानी पुलिस की तनख्वाह बहुत कम है। यहाँ पे तो बहुत कम है और उधर नहीं ज्यादा। मतलब कि पाकिस्तानी अगर अंदाजा लगाया जाए तो 7 लाख तक वहाँ जा रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो स्टेट का हेड है उसकी 7 लाख है। मतलब कि वो हर महीने एक टाटा की या उसकी गाड़ी, एक बहुत परफेक्ट गाड़ी वो ले सकता है। अभी उन जो कांस्टेबल हमारे पास भर्ती होता है ना, वो 18,000 यानी वो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी वहाँ पे अगर 27,000 मिलती है तो यहाँ का 50-60,000 है। पाकिस्तान में बहुत तनख्वाहें कम है उस लिहाज से। इंडिया के लिहाज से बहुत जबरदस्त तनख्वाहें पुलिस की, कांस्टेबल से लेके वो स्टेट के हेड तक। और उनको स्पेशली गाड़ी भी फिर दी जाती है। फैसिलिटीज तो इधर भी हैं, वो नहीं कि फैसिलिटीज नहीं है, उधर भी हैं। लेकिन ये कि पेस के मामले में अगर बात की जाए तो उसकी ज्यादा है। बहुत सारी सही बोल रहे हो। उधर तनख्वाहें तब ज्यादा है ना, वजह उन दवाई ज्यादा महंगाई भी तो नहीं है, उनका गुजर भी सही चल सकता है। वो तो पापा उनको फैसिलिटीज भी तो मिलती है, गाड़ियां हर एक चीज मिलती है। अलाउंस कितने मिलते हैं साथ देखे ना, मतलब बेसिक बिल्कुल बेसिक सैलरी भी वो मिल रही है। लेकिन ये है कि यार इंडिया में पुलिस को वाकई में बहुत ज्यादा दी जा रही है। मैं जब वही देख रहा था कि एक यूं बता रहे थे शुरू हुए 30,000 से लेके फिर जब 7 लाख तक है, मैं उधर मैंने कहा यार मैंने दिल में सोचा कम तनख्वाहें होगी पर बहुत जबरदस्त तनख्वाहें सैलरी। हाँ मैंने भी इस तरह सोचा था, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होने लगी। लेकिन जब अभी सैलरीज बताई है तो वो हम लोग खुद दंग रह गए कि इतनी ज्यादा सैलरीज कहां से आ गई। बिल्कुल। और जो इनको बोनस मिलते होंगे और चीजें मिलती होंगी वो तो एक अलग ही चीज है। तो
इनाम मिलते होंगे जिधर कोई काम करते हैं, कोई ऐसा कोई बहादुरी का वो फिर उस हिसाब से उनको भी मिलता है, इनाम भी मिलते हैं। सही बोला, बस इंडियन पॉलिसी जबरदस्त पॉलिसी हर स्टेट की, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इनकी पेस भी बहुत ज्यादा रखी गई है। हाँ बिल्कुल सही बोल, जबरदस्त है, इनकी पेस बहुत अच्छी यार। अगर कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, जबरदस्त है। हाँ मतलब कि अच्छे से एक बंदा पुलिस में होना उधर रह सकता है, गुजारा सही कर सकता है। मतलब 30,000 रुपए वाला बंदा भी फैमिली का अच्छे से रह सकता है, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे थोड़ी सस्तवाई, अगर वहाँ का 30 है तो पाकिस्तानी 70,000 बनता है, आराम से बंदा रह सकता है ना। पाकिस्तान जो पैसा है वो कम है, कम है ना, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।